हेलो फ्रेंड्स, प्रसाद एकेडमी रे आपनको स्वागत जनाउछि। फाइनली ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ रु फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 रो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आसी जायछि। तो आपन माने स्क्रीन रे देखि पार्थबे एटा होछि तारो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। तो चालंतु डिटेल रे देखिबार एज लिमिट कोन अछि, क्वालिफिकेशन कोन रखा जायछि आ अप्लाई केबे थारु स्टार्ट होछि। तो देखंतु एडवर्टाइजमेंट नंबर होछि 12588। तो डेट देखंतु 19 अगस्त 2021। तो देखंतु एठी दिया जाइछि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ बेस लेवल पोस्ट इन द कैडर ऑफ फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी इन ओएफडीसी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो जो ओएफसीडी रो ओएफडीसी रो ऑफिशियल वैकेंसी टा आछि, एटा को केवल एससी एसटी माने ही आवेदन करि परिबे। तो देखंतु डिटेल वैकेंसी पोजीशन देखिया गले एससी पई रहिछि टोटल 74 पोस्ट, एसटी पई रहिछि 105 पोस्ट। तो टोटल हमरो 179 पोस्ट रहिछि। तो दरमा देखिया गले आपनकर कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रे 8390 टका मिलिबो। तापर देखंतु ऑनलाइन अप्लाई केबे थारु स्टार्ट होछ आ लास्ट डेट केबे। तो अप्लाई स्टार्ट होछ आरो 24/8/2021 टू लास्ट डेट होछि 10/9/2021। तापर देखंतु आ कोन इंपोर्टेंट रहला मु आपन मानको कहि देबी। तो देखंतु एजुकेशन आ क्वालिफिकेशन देखिया गले द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 मस्ट हैव पास प्लस 2 साइंस फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन और काउंसिल। तो जो माने सिंपली प्लस 2 साइंस पास होती ताले पदवीटा को अप्लाई करि परिबे। तो एज लिमिट देखंतु, एज लिमिट देखिया गले द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर एंट्री इन फील्ड ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 इज 21 ईयर एंड मैक्सिमम एज 32 ईयर एज ऑन 1/8/2021। तो 1/8/2021 को आपणकर 21 टू 32 वर्ष होतबा को पड़िबो। तापर देखंतु द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव शल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी एससी आउ एसटी माने। तो जो एससी एसटी कैंडिडेट मानकर वयस 37 वर्ष रु कम होईछि से माने आवेदन करि परिबे। तो देखंतु फिजिकल स्टैंडर्ड आपणकर कोन रखा जायछि, तो मेन रो एससी पई रखा जाय छी 168 सेमी, एसटी पई रखा जाय छी 151 सेमी। तो अनएक्सपेंडेड चेस्ट आपन को रखा जाय छी 81, एक्सपेंडेड रखा जाय छी 86। तापर देखंतु वुमेन मानकर एससी एसटी पई रखा जाय छी जोटा कि मिनिमम हाइट 153 सेमी। तापर देखंतु आपनकर फिजिकल टेस्ट कोन रखा जाय छी, तो आपनकर वॉकिंग टेस्ट रखा जाय छी जोटा कि मेल पई रखा जाय छी 25 किमी इन 4 आवर, फीमेल पई रखा जाय छी 16 किमी इन 4 आवर। तापर देखंतु आउ कोन इंपोर्टेंट रहला जोटा कि मु आपन मानको कहि देबी। तो देखंतु आपन को रहला रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आपन को ऑफिशियल सिलेबस कोन रहिछि जोटा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जिवा आपन को। तो जनरल इंग्लिश रहिबा आपन को 40 मार्क, उड़िया रहिबो 40 मार्क, जनरल नॉलेज रहिबा आपन को 40 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहिबो 40 मार्क, लॉजिकल रीजनिंग रहिबा आपन को 40 मार्क। तो टोटल आपन को 200 मार्क रो एग्जाम कंडक्ट करा जिवो। तापर देखंतु एदि दिया जाइछि द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इक्विवेलेंट टू द एचएससी स्टैंडर्ड। तो आपनकर 10th स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे। तापर देखंतु एठी दिया जेछि बेस ऑन द मार्क्स इक्विवेलेंट इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट एट द रेट ऑफ 3 टाइम द वैकेंसी शैल बी ओनली डीम्ड टू हैव क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट एंड कॉल फॉर मेडिकल एंड फिजिकल एंड्यूरेंस टेस्ट। तो एठी कह जाउछि कि वैकेंसी जते अछि आपनकर रिटन टेस्ट परे तार फिजिकल को 3 गुणा कैंडिडेट निया जिवो। तापर देखंतु आ कोन इंपोर्टेंट रहला। तो देखंतु एग्जामिनेशन फी देखिया गले द एप्लीकेंट शैल पे एप्लीकेशन फी ऑफ रुपीस 100 ओनली एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आरो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी रखा जायछि मात्र 100 टंका। तो एतिकी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन थिला जोटा कि आपण मानको जणैली। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जदि आपण माने पढिया को चाहचंती तो आपण माने ओएफटीसी रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाकी डाउनलोड करके निजे पढि परिबे। तो थैंक यू।